प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। इंग्लिश में से कहते हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। हमें प्रॉब्लम दी गई है, कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ 9801। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने वाला ढांचा बनाना पड़ेगा। लो, मैंने एक ढांचा बना दिया। यहाँ से एक लाइन खींची और एक यहाँ से लाइन खींची। ओके, और इसमें लिख दिया 9801। अब इसके बाद मैंने जुट बना लिए। राइट साइड से पहला जुट है 01 और दूसरा जुट है 98। अब मैं क्या करूँगा कि गुना शुरू करूंगा मैं। यहाँ रफ वर्क है, दिस इज रफ वर्क वर्क। पहले मैं दो गुना दो करके देखता हूँ, ये बनते हैं चार। अभी 9 8 ज़्यादा है, करते करते 3 गुना 3 करके देखा, ये बना 9। अभी भी ज़्यादा है 9 8 पहला जुट। तो मैंने कहा कि 9 गुना 9 किया मैंने, ये बना 81। अब मैंने थोड़ा सा आगे चला, मैं कहता हूँ 10 गुना 10 करते हैं। अरे ये तो भाई 100 बन गया, तो इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 98 छोटा है 100 से, इसलिए 81 मैंने इसके नीचे लिख दिया, 81। 81 यहाँ लिख दिया, ठीक है, ये घटाना है 98 में से। ओके, और यहाँ मैंने लिख दिया ये 9 के ऊपर जाएगा, ठीक है, और ऊपर भी मैंने इसके 9 लिख दिया, ठीक। अब मैं आगे जा रहा हूँ, 98 में से 81 घटा दूंगा, सब्सट्रैक्ट 81 फ्रॉम 98। तो क्या होता है, कितना बचता है? तो यह बच गया आपके पास 8 में से 1 गया 7, 7, और यहाँ आ गया 1 1 7। और ऊपर से मैंने एक जुट ले लिया 01 का। अब मैं फिर सोच रहा हूँ 9 को 2 से गुना करता हूँ, 9 दूनी 18। 18 को अब मैंने किसी ऐसे अंक से गुना करना है जो 1701 बने, यानी 18 के आगे मैंने 1 लगाया और गुना की 1 से, तो 181 बनता है। अब मैंने 18 को के आगे 2 लगाया और गुना की 2 से, तो यह बनता है 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 300, ये बन गया 16 6 4, 364। एम आई राइट? 4 8 16 2 3 364। अभी भी ज़्यादा है, 1701। मैं अब जा रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे कहता हूँ, मैं लेता हूँ 182 गुना कर दिया 100, इसके आगे 9 लगा दिया और गुना कर दिया 9 से, तो यह बन गया 1701। तो भैया सबसे पहले इस 9 को गुना करो 2 के साथ, ये आ गया 18। उसके आगे एक ऐसा अंक लगाइए जो 1701 बने या उससे छोटा हो, तो वो 9 है, और पूरा का पूरा ये 1701
एक बन जाता है। अब इसको घटाएं 701 में से 701 घटा देते हैं, ये घटा देते हैं हम, तो कुछ नहीं बचता, नथिंग। तो इसलिए आपका जो स्क्वेयर रूट है, स्क्वेयर रूट ऑफ 9801, उसका आंसर है इज इक्वल टू, ये जो यहाँ आंसर आएगा ये जीत गया था 9 के ऊपर। तो जिस अंक के ऊपर जाता है ये, यानी ये 9 के ऊपर गया है, तो 9 ही यहाँ लिखना है। ओके, यहाँ आंसर जो इसका आ गया वो है 99। थैंक यू वेरी मच, कीप प्लीज कीप इन टच विद मैथ।